तो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है पूर्णा की तरफ से विमेंस मल्टी वाइटामिन। एक्चुअली गाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं ये एक बहुत ही अलग चीज़ है। डाइटरी सप्लीमेंट में आपको पाउडर वगैरह मिल जाते हैं जो हमें पानी में या फिर दूध के अंदर मिक्स करके पीना होता है, लेकिन गाइज आप यहाँ पर देख सकते हैं ये एक गमीज़ हैं, आई मीन च्विंगम जैसे आप बोल सकते हो या फिर जेली बोल सकते हो। ये एक टेडी बेयर बना हुआ है इसके ऊपर और ये बहुत ही क्यूट गमीज़ हैं और बहुत ही टेस्टी भी हैं ये खाने में। ये मल्टी वाइटामिन ग्लूटेन फ्री डाइट्री सप्लीमेंट है जो कि विमेंस के लिए है। आप जानते हैं कि विमेंस जो हैं काम काज में उलझे रहते हैं लेकिन उन्हें अपने हेल्थ का जो है वो बिल्कुल भी ख्याल नहीं हो पाता है, तो इसके अंदर आपको मिल जाती हैं 30 गमीज़। एक दिन में आपको इसे एक लेना होता है। और गाइस मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ, अगर आपको शुगर या फिर डायबिटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम है तो फिर आप ये जो है ना लें, क्योंकि इनके अंदर थोड़ी बहुत मिठास भी है जो कि हो सकता है आपको नुकसान पहुँचाए। अगर आपको डायबिटीज़ वगैरह नहीं है तो फिर आप डेफिनेटली दिन में एक बार ये जो जेली है इसे आप खा सकते हैं। इन्हें जेली बनाने का मकसद ये है क्योंकि जो लेडीज़ होती हैं, जो वर्किंग वुमेन भी अगर हैं या फिर होम मेकर भी हैं, उन्हें टाइम नहीं मिल पाता है अपने आप को फिट रखने का, या फिर आप बोल सकते हो विटामिन वगैरह की कमी हो जाती है 30+ जब वुमेन्स हो जाती हैं। तो बस आपको कुछ नहीं करना, इस पैकेट को आपको खोलना है और ये जो गमीज़ हैं इन्हें आपको बस खा लेना है। जिस तरीके से आप टॉफ़ी खाते हैं या कैंडी वगैरह खाते हैं तो बस आपको उसी तरीके से इसे खाना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही टेस्टी है गाइस ये खाने में, और 30 आपको मिल जाती हैं इसके अंदर। उसमें से मैंने काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर ली हैं, खा ली हैं, और अभी इसमें से कुछ ही बची हैं मेरे पास। एक्चुअली मेरी मम्मी भी इसे ले रही है और मैं तो इसे एज अ टेस्ट खाती हूँ, मुझे काफ़ी अच्छी लगती है ये। लेकिन आप इतना ध्यान रखिए कि अपने ज़्यादा ना खाएं, ऐसा नहीं है कि दिन में आप 3 से 4 ले लो तो वो भी ठीक नहीं है, आप 1 या फिर 2 आराम से आप इसे ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी न्यूट्रिशनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है, हर एक चीज़ यहाँ पर है, एनर्जी टोटल कार्ब्स कितने हैं इसके अंदर, सब कुछ है इसके अंदर। फैट वगैरह इसके अंदर 0 है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले करके आप इसे डेफिनेटली आराम से इसे रीड भी कर सकते हैं। प्राइस की अगर मैं बात करूँ गाइस तो इसका प्राइस है 399 रुपीज़। लेकिन अगर आप इसे ख़रीदना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से आप ख़रीदेंगे तो आपको कोई ना कोई डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। शेल्फ़ लाइफ है इसकी 18 मंथ्स की। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहती हूँ गाइस, अगर आप इसे खाएं, जब भी आप इसे खाएं, इसे हमेशा खोल करके ही आप खाएं। कहने का मकसद ये है कि आप इसे खोल करके यूं ही ना रख दें, मतलब अगर आप इसे खोल दो और आप कहो कि 5 से 10 मिनट बाद अब मैं इसे खाऊंगी, तो ऐसा आप बिल्कुल ना करें। गीले हाथ इस पर ना लगाएं, ये ख़राब हो सकती हैं, इनकी शेल्फ़ लाइफ है वो जो है कम हो सकती है। और मैंने आपको बता दिया कि डिस्क्रिप्शन में आपको डायरेक्ट लिंक मिला हुआ है इस प्रोडक्ट का, आप डेफ़िनेटली इसे ट्राई कर सकते हैं। और आपको मैं इसकी जो है कुछ अच्छी चीज़ें और यहाँ पर बता दूँ। इंग्रेडिएंट्स में आप यहाँ पर देख सकते हैं कॉर्न सिरप है, शुगर है, वाटर है, जेलिंग एजेंट है इसके अंदर, और भी कुछ चीज़ें हैं जो कि इसे बनाने में यूज़ हुई हैं। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर यूज़ किया गया है, फूड कलर डाला गया है इसके अंदर, और जो दूसरी चीज़ है इसके अंदर प्रोटीन्स वगैरह नहीं हैं, फैट नहीं है, और सैचुरेटेड फैट्स नहीं है, कोलेस्ट्रॉल फ्री है, जिलेटिन इसके अंदर नहीं है गाइस, जो कि सबसे ज़्यादा यूज़ जो होती है चीज़ जेली वगैरह बनाने के लिए वो होती है जिलेटिन, जो कि वो नहीं है। दूसरी चीज़ है इसके अंदर वीट यानी कि ग्लूटन, मतलब इसके अंदर नहीं है ग्लूटन, इसके अंदर ऐड नहीं किया गया है, मिल्क नहीं है, एग्स वगैरह नहीं है, सोए नट्स नहीं है, पीनट्स, आर्टिफिशियल फ्लेवर इसके अंदर यूज़ नहीं किया गया है, एनिमल फैट्स वगैरह नहीं है, प्रिजर्वेटिव नहीं है इसके अंदर। तो गाइस ये टोटली एक अच्छी चीज़ है। बस एक चीज़ में अगर आपको जो दूँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं या फिर आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं तो फिर आप ये ना लें। अगर आप इसे खाना भी चाहते हैं तो फिर आप एक बार डॉक्टर से कंसल्ट आप ज़रूर कर लें, और अगर आपकी कोई बहुत ही गंभीर आपको कोई बीमारी है तो ऐसी हालत में एक बार डॉक्टर से आप ज़रूर कंसल्ट आप कर लें। बाकी आप इसे डेफ़िनेटली ट्राई कर सकते हैं, आप इसे एज अ टॉफ़ी भी खा सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं मल्टी वाइटामिन तो ये है ही, तो काफ़ी एक अच्छी चीज़ है गाइस, आप इसे डेफ़िनेटली ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही अच्छा है ये।
बाकी इसके ऊपर जो चीज़ें लिखी हुई हैं वो मैंने आपको सारी की सारी बता दी हैं। तो गाइज़ ये था एक छोटा सा रिव्यू वीडियो इन गमीज़ के ऊपर, आप एक बार इन्हें ट्राई अप कर लें, और जब आप इन्हें ट्राई करेंगे तो उसके बाद मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।